फागु चौहान जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सिक्स लेन होगा, गंगा नदी पर दो सिक्स लेन पुल बनेंगे, एक तो बन रहा है कचीदरगा बिद्दुपुर और दूसरा पटना के शेरपुर से छपरा के दिघवारा तक बनेगा। कुल मिलाकर नया सिक्स लेन रिंग रोड बनेगा जिसका एक पार्ट का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कितनी बड़ी सौगात है ये बिहार के लिए? देखिए बहुत बड़ी सौगात है, आप कल्पना करिए, बिहार के हर जिले के कनेक्टिविटी के लिए जो उपहार दिया उन्होंने, आप जानते हैं पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और उसका नमूना तो आपके ऊपर ही है। वर्तमान गांधी सेतु का हाल देख लीजिए आप, पहले क्या स्थिति थी, पूरे सुपरस्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो एकमुश्त धनराशि भारत सरकार ने दी, तो आज महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन चकाचक बन के तैयार हो गया और अगले एक साल में पूर्वी लेन भी बन के तैयार हो जाएगा, नया पुल और बनेगा, तो गांधी सेतु अब 8 लेन का हो जाएगा, एक साथ 8 गाड़ियाँ आ सकती, 8 गाड़ियाँ जा सकती, तो जाम की समस्या का निजात है। और साथ साथ रिंग रोड बनने से भी जिन गाड़ियों को पटना नहीं आना है, मान लो पूरब से पश्चिम किसी को जाना है, पश्चिम से पूरब जाना है, लेकिन पटना में उसको काम नहीं है, उनके लिए रिंग रोड काम आएगा और उसके बाद उनको पटना आने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से पटना पर जो अनावश्यक ट्रैफिक लोड रहता है बाहर की गाड़ियों का, वो लोड भी समाप्त हो जाएगा। इस पूरी परियोजनाओं से बिहार के विकास को नया आयाम मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 9 परियोजनाओं यथा महात्मा गांधी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, सड़क परियोजना पटना पुलिस निर्माण परियोजना, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सुगम यातायात हेतु 6 लेन की पटना रिंग रोड कन्हौली से रामनगर सड़क निर्माण परियोजना, इन सभी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के पूर्ण होने पर बिहार राज्य के साथ फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक आने वाली नौ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को, बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। युवा भारत के